C++ के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं. इसमें है, राइट अ फंक्शन दैट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर यूजिंग इंट स्टार एज द आर्गुमेंट टाइप. हमको दो इंटीजर को स्वैप करना है. स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर ए के पास मान लीजिए 20 है और बी के पास मान लीजिए 30 है, स्वैपिंग के पास ए के पास 30 आ जाना चाहिए यानी ये यहाँ स्वैप हो जाना चाहिए और बी के पास आपका 20 आ जाना चाहिए यानी स्वैपिंग यानी एक दूसरे की जगह ले जानी चाहिए या वैल्यूज चेंज हो जानी चाहिए. तो स्वैप अगर हम यहाँ पर लेते हैं, इसे हम स्वैप कर रहे हैं यूजिंग इन पॉइंटर्स. ध्यान दीजिए, ये स्वैप का एग्जाम्पल बड़ा यूज होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय इन जो पॉइंटर है उनको दर्शाने में. तो अगर हम स्वैप का फंक्शन लिखना चाहें तो इन स्टार ए स्टार बी. अच्छा, इन स्टार यानी कि ये बता रहा है कि ए ए इंटीजर पॉइंटर है ए. तो हम जब ए इज अ पॉइंटर, जब हम स्टार ए करेंगे तो ये इसका इंडायरेक्शन ऑपरेटर होगा यानी कि ए की वैल्यू बताएगा. ए इज अ पॉइंटर, जैसे मैं इंट स्टार कर दिया तो इसका मतलब यह कि ए पॉइंटर हो गया. तो अगर इस पॉइंटर की वैल्यू चाहिए तो स्टार ए करेंगे. तो हम जब वैल्यू पर किस तरीके से करेंगे स्वैप करेंगे, तो हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे यानी कि इस तरीके से स्वैप होता है. स्वैप इस तरीके से है कि हमारे पास ये वैल्यू है ए बी. तो सबसे पहले ए की वैल्यू मान लीजिए 20 और 30 थी, है ना. सबसे पहले ए की वैल्यू किसी टेम्प में डालेंगे, टी. अब टी तो इंटीजर ले सकते हैं क्योंकि स्टार ए और स्टार बी का मतलब यही है कि इंडायरेक्शन ऑपरेटर्स हैं, तो ये इसकी वैल्यू बताएगा. तो ए की वैल्यू टी में डालेंगे, 20 आ गई. फिर बी की वैल्यू में डालेंगे यानी कि 30 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, 30 से प्लेस हो जाएगी. अब क्योंकि हमने ए की वैल्यू स्टोर कर रखी थी ऑलरेडी टी में, अब टी की वैल्यू भी में डाल दीजिए यानी 20 यहाँ पर डाल दीजिए, तो ये 20 प्लेस हो जाएगी. अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो हमें स्वैपिंग होगी. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म ये एक आइडिया है जिससे जो बेस क्लास है उसको आप इनहेरिट कर सकते हैं कई सारे सब क्लासेस में. तो जो बेस क्लास पॉइंटर है वो पॉइंट कर सकता है चाइल्ड क्लास को, और जो बेस क्लास एरे है वो अलग अलग डिफरेंट क्लास ऑब्जेक्ट्स को रख सकता है. इसका अलग अलग डेफिनेशन है. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि अगर आप, क्योंकि अगर आप सीधा फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताने लगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि एक ही इंटरफेस से आप बहुत सारे काम कर सकें. तो जैसे आप बेस एक क्लास बना लेते हैं तो उसी एक क्लास इंटरफेस हो गया, उसके साथ कितने सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. अगला सवाल है, डज C++ सपोर्ट मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों ही प्रोवाइड करता है C++, मल्टी लेवल भी और मल्टीपल भी. यानी कि मल्टी लेवल मतलब एक बेस क्लास बनाया और डिराइव क्लास बन गई, डिराइव से एक और डिराइव बना दिया आपने, फिर उससे और डिराइव बना दिया, इस तरीके से आप मल्टी लेवल कर सकते हैं. मल्टीपल मतलब बहुत सारे आपके अगर अलग क्लास है तो एक ही एक डिराइव क्लास बना दीजिए, उसको इन सबसे डिराइव कर लीजिए. एडवांटेजेस क्या है इनहेरिटेंस की? पहली चीज़ तो कोड रीयूजेबिलिटी है, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता, बेस क्लास में जो चीज़ है वो तो आपको मिल जाएगी. दूसरा, टाइम भी बचेगा आपका जब आप लिखेंगे नहीं. तो इस तरीके से जो चीज़ ऑलरेडी प्रूवन हो चुकी है, जो ऑलरेडी हाई क्वालिटी है, उसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. डिफरेंस क्या है एरे और लिस्ट में? एरे और लिस्ट में क्या अंतर है? एरे एक तरीके से होमोजीनियस एलिमेंट का कनेक्शन है, और लिस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस एलिमेंट का कनेक्शन है. एरे की मेमोरी जो है वो स्टैटिक होती है और कंटिन्यूस होती है, यानी कि कंटिन्यूस होगी, एक के बाद दूसरा यहीं पर आएगा, किसी और जगह नहीं जा सकता. जबकि लिस्ट की मेमोरी ये पूरे सिस्टम में, किसी मेन मेमोरी में कहीं भी हो सकती है, बस ये लिंक से एक आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो रैंडम होती है. आपको एरे में हमेशा यू नीड टू कीप ट्रैक कि हर एक जो दूसरा मेंबर आएगा वो जस्ट इसके बाद ही आ रहा है. और लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिस्ट में नेक्स्ट का लोकेशन होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि एरे में अगर हम और मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तो वो जगह अवेलेबल है कि नहीं. लिस्ट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप बस एलोकेट कर दें, आपको मेमोरी जहाँ भी खाली मिलेगी वहाँ आपको जगह मिल जाएगी. एरे एक डायरेक्ट एक्सेस है स्टोर मेंबर का, ऑर्डर ऑफ वन में आप एक्सेस कर सकते हैं कभी वैल्यू को, और सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, कभी भी आप एक्सेस करना चाहते थे एक के बाद एक चले जाएंगे. लेकिन आप किसी भी एक एक्सेस करना चाहते हैं तो किसी भी जैसे A5 करना चाहते हैं, A5 की आपने तो मेमोरी पोजीशन पहुंच जाएंगे आप, जैसे A5 ऑब्जेक्ट एक्स आप देते हैं, तो विद एरे यू कैन डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी पोजीशन 5 आप जा सकते हैं. क्योंकि लिस्ट में आपको सिक्वेंशियल जाना पड़ेगा, एरे में हमेशा मतलब किसी भी पॉइंट पर डायरेक्ट एक्सेस होता है, लिस्ट में हमें एक के बाद एक जाना पड़ेगा, यानी कि हम एकदम डायरेक्टली नहीं जा सकते. और लिस्ट के साथ हमको सारे प्रीवियस नोड, हमको जैसे 5 जाना है तो 1 से लेकर 4 तक हमको कवर करना ही पड़ेगा, जैसे लिस्ट माई लिस्ट है. तो इसमें हम जब इटरेट करेंगे तो हम एक के बाद बिगिन से लेकर एंड तक वहां पर जाएंगे, मतलब बिगिन से लेकर एंड तक हम 5वीं पोजीशन तक जाएंगे, फिर इसे इटरेटर से
जो भी आपको करना हो ऑपरेशन करेंगे आप। अब ये सवाल दोबारा आ गया, सी प्लस प्लस मल्टीपल और मल्टी लेवल ये दोनों करता है। टेम्पलेट क्या होती है? टेम्पलेट, टेम्पलेट जब आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो वहां आप डेटा टाइप पहले दे देते हैं, लेकिन आप ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जहां पर आप डेटा टाइप रन टाइम पे बताएं, यानी आप चाहते हैं कि डेटा टाइप जैसे ही मैं दूं, जब मुझे इंटीजर करना हो तो इंटीजर में सब तब्दील हो जाए, जब मैं फ्लोट करना चाहता हूँ फ्लोट में तब्दील हो जाए, तो उसके लिए हमें टेम्पलेट बनानी पड़ती है। तो टेम्पलेट हमें एक तरीका देता है कि आप जेनेरिक फंक्शन बना सकें और कोई भी डेटा टाइप के लिए, या पैरामीटर हो या रिटर्न वैल्यू हो, दोबारा बगैर ओवरलोड किए, अगर आपको ओवरलोड करना पड़े, यानी कि ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि आपको अलग अलग फंक्शन लिखने पड़ेंगे अलग अलग इनपुट और आउटपुट टाइप देने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई भी पॉसिबल टाइप आप इसमें दे सकते हैं। तो एक तरीके से ये मैक्रो की तरह भी उसकी फंक्शनलिटी पूरी करता है। और उसका प्रोटोटाइप किस तरीके से होता है, आप टेम्पलेट यहाँ पर देंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन देंगे, और इसमें जो डिफरेंस है ये, इसमें अगर आप देखें तो क्या अंतर आ रहा है, आप देखें कि जो क्लास जब भी टाइप नेम देते हैं आप, दोनों ही तरीके से, ये वैसे तो दोनों सेम है लेकिन मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ, कि जब भी आप इस तरीके से देंगे टेम्पलेट, जो भी डेटा टाइप होगा वो यहाँ पर आके चेंज हो जाएगा जब भी आप उसको कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, व्हाट इज इट एंड हाउ इट इज इट माइट बी कॉल्ड, दो मेथड बताइए। कंस्ट्रक्टर बताना है क्या क्या होता है और किस तरीके से कॉल किया जाएगा इसको। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन है क्लास का, अपने आप आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट। इसका जो नाम होता है वो बिल्कुल क्लास नेम ही होता है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। और ये स्पेसिफाई करता है जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा किस तरीके से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होना है, ये आपको स्पेसिफाई करता है। तो कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप इम्प्लिसिट हो जाएगा, मतलब अपने आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। लेकिन एक्सप्लिसिटली भी आप कॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके लिए आपको अपना कोड लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए आपने एक क्लास बनाया, अब यहाँ पर आपने एक इसी नाम का बिल्कुल सेम नेम है, ये देखिए सेम नेम है, ये जो नाम है, अच्छा कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप भी नहीं होता है, तो ये आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका नाम बिल्कुल सेम है और आपने इस तरीके से बना दिया एक्स जीरो वाई जीरो, तो एक्स को जीरो वाई को जीरो इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से पॉइंट एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी क्लास बनाई उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसको इम्प्लिसिट कॉल हो जाएगा, यानी कि अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो अगर आपको मेमोरी स्टैक पर रखनी है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, और ये अगर आप एक्सप्लिसिट कॉल करना चाहते हैं तो आप एक नया बनाइए, ये पॉइंटर 2D जो भी आपका क्लास का नाम था, पॉइंटर्स कर दीजिए न्यू पॉइंट 2D, ये नया और न्यू और पॉइंट अलग अलग है, तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब ये जाके एलोकेट करेगा मेमोरी को हीप में, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब कॉल। तो दो पेयर है आपके पास न्यू डिलीट, एक दूसरा पेयर है आपका मेलॉग का फ्री, तो एक जगह वो ये न्यू से आपका हीप में चला जाएगा, और मेलॉग से भी हीप में ही जाता है, वैसे तरीके ही है बनाने के। तो न्यू और मेलॉग में भी अंतर समझ लेते हैं, और न्यू डिलीट वगैरह भी समझ सकते हैं, न्यू के साथ मेलॉग के साथ फ्री होता है, न्यू के साथ डिलीट होता है, तो डिफरेंसेस क्या है। न्यू और डिलीट ये प्री प्रोसेसर है, न्यू और डिलीट ध्यान दीजिएगा प्री प्रोसेसर है, मेलॉग का फ्री फंक्शन है, यानी कि हम जब भी न्यू और डिलीट करते हैं तो कोई हम ब्रैकेट ही, जब भी किसी के सामने ऐसे ब्रैकेट लग जाए ना, इसका मतलब समझ आ जाइएगा कि वो फंक्शन है। तो मैलॉक के आगे ये राउंड ब्रैकेट लगते हैं, फ्री के आगे भी राउंड ब्रैकेट लगते हैं, तो मैलॉक और फ्री दोनों आपके फंक्शंस हैं, जबकि न्यू और डिलीट प्री प्रोसेसर है। इसी तरीके से देर इज नो नीड टू एलोकेट द मेमोरी, जब आप न्यू करते हैं तो कोई आपको मेमोरी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि मैलॉक के अंदर साइज ऑफ बताना ही पड़ेगा। न्यू अपने आप इनिशियलाइज कर देगा मेमोरी को जीरो से, लेकिन मैलॉक ऐसा नहीं करता है, कोई भी गार्बेज या रैंडम वैल्यू उसको दे देगा, इसलिए आप कैलॉग भी यूज कर सकते हैं। न्यू एक तरीके से एलोकेट करता है कंटिन्यूस स्पेस जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है मैलॉग इसका, लेकिन मैलॉग आपको डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस देता है, यानी न्यू आपको कंटिन्यूस स्पेस दे देगा और मैलॉग आपको डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस प्रोवाइड करता है। न्यू कास्टलेस है, यानी कि इसके लिए आपको कोई मेमोरी नहीं बतानी पड़ेगी कि इंट है या अंदर नहीं देना पड़ेगा, न्यू जो भी आप टाइप लिखेंगे उस टाइप से स्पेसिफिक टाइप के हिसाब से ये आपको मेमोरी असाइन कर देगा। जो मेलॉग कैलॉग है ये रिटर्न करते हैं वॉइड स्टार, यानी कि आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन न्यू में ऐसा नहीं। डिफरेंस क्या है क्लास और स्ट्रक्चर, क्लास और स्ट्रक्चर जो सी में क्लास थी ना उसी को आगे बढ़ा के, फिर जो सी में स्ट्रक्चर था उसी को आगे बढ़ा के क्लास बनाया गया है, यानी कि वो इतना पावरफुल था स्ट्रक्चर जो सी में आया उसी के आगे बढ़ा के, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या होता था केवल आप वेरिएबल रख सकते थे, लेकिन क्लास में आप वेरिएबल रख सकते हैं और फंक्शन भी रख सकते हैं। तो जो पहले सी का स्ट्रक्चर था
उसमें आप डेटा टाइप, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप रख सकते थे किसी फंक्शनलिटी के लिए। लेकिन सी प्लस प्लस में इसी स्ट्रक्चर को एनहांस कर दिया गया, उसके अंदर फंक्शन भी डाल दिए। तो डिफरेंस क्या है जो दोनों में है? स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीज बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है, क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में सब चीज प्राइवेट होती है। क्लास एक सक्सेसर है स्ट्रक्चर का, और इसीलिए ये क्लास में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें डेटा पर बहुत ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसको अंदर की चीजें सारी प्राइवेट रखी गई। तो ये हमने कुछ और बात की अपने सी और सी प्लस प्लस की, और भी क्वेश्चन देखेंगे। बहुत शुक्रिया।